माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं रेडी होके ये साड़ी सूड़ी पहन के कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं जा रही हूँ वैष्णो मंदिर में। हाँ जी, ये वैष्णो मंदिर गुड़गांव के हरसरू गांव में पड़ता है, जो कि मेरे घर से लगभग 8 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ। यहाँ पे गाइस, कहा जाता है कि जैसा कटरा में वैष्णो माता जी का मंदिर है, वैसा ही हम टू कॉपी मान के चल सकते हैं, टू कॉपी मंदिर उसका भी यहाँ पे भी है हरसरू गांव में। तो आज मैं वहीं पे जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा वो मंदिर है। और सो गाइस, मैं अभी जस्ट रेडी हुई हूँ, ज्यादा मेकअप शेकअप मैंने किया नहीं है, बस सिंपल से बन के मंदिर में जा रही हूँ और मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ जा रही हूँ। तो चलिए, आप लोग भी मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और देखिए कि क्या उस मंदिर का रहस्य है, कैसे उस मंदिर का नाम वैष्णो मंदिर पड़ा। तो गाइज, अभी हम लोग जाने लग गए हैं, मैं देवरानी और पीछे से आप लोग देख सकते हैं मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हमारे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पे वैष्णो मंदिर पड़ता है, जो कि गुड़गांव के हरसरू में पड़ता है। तो वहीं पे अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। तो गाइज, जब हम मंदिर के लिए जा रहे थे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सरसों की खेती कितनी प्यारी लग रही थी और हमें अच्छा लगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। और तो फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं हरसरू के वैष्णो मंदिर में, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी सी शॉप लगी रहती हैं, और ये लोग यहाँ पे चुनरी नारियल वगैरह जो भी पूजा का सामान होता है वो देते हैं। ये थाली लगभग मे बी 50 या 100 रुपीज के आसपास की पड़ती है, बट क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी तो पापा ने ये थाली ली, तो मुझे इतना कन्फर्म नहीं है कि कितने की थाली यहाँ पे मिलती है, बट 50 या 100 के आसपास ही ये थाली हमें यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें हमें एक चुनरी नारियल और थोड़ा सा फूल और थोड़ा प्रसाद मिलता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये है मंदिर, वैष्णो मंदिर, और बाहर का तो थोड़ा आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अजीब सा है बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो पक्की रोड नहीं है, शायद से यहाँ पे काम चल रहा था आगे, तो यहाँ पे काफी सारी मिट्टी वगैरह आप लोग खुद ही देख सकते हैं। बाकी जहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ से हम लोगों को वापसी में आना पड़ता है, और साइड में आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गुफा में जाने का रास्ता। तो अभी जैसे हम यहाँ एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ से जाना पड़ता है, गुफा से होके जाना पड़ता है, और जब हम लास्ट में एग्जिट होते हैं तो हमें यहाँ से आना पड़ता है, मतलब बाहर हम यहाँ से आते हैं। तो अभी हम गुफा के रास्ते से जाएंगे।
तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कैसी कैसी यहाँ पे गुफाएं बनाई गई हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा था रियल में, मतलब जो ओरिजिनल गुफा वैष्णो देवी मंदिर की होती है ना वैसे ही लग रही थी, पूरा वैसा ही बनाया हुआ है मंदिर। तो हम इस गुफा से होके जा रहे थे, बहुत छोटी छोटी गुफा थी। इन लोगों ने जो ये कला चित्र यानी कि जो ये यहाँ की दीवारें, मतलब जो भी इन्होंने डेकोरेशन जिस हिसाब से यहाँ पे कराया बहुत अच्छा कराया, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से बना रखा होगा, बहुत प्यारा लग रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं बस गुफा के अंदर जाते रहना है यहाँ पे। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भोलेनाथ जी की मूर्ति, इनके साइड में हनुमान जी की और कार्तिक जी की, गणेश जी की और नंदी महाराज की मूर्ति यहाँ पे रखी यहाँ पे है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं गाइस ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी से ये पूरी गुफा बन। और गाइज अगर मैं यहाँ के बारे में बताऊँ इस मंदिर के बारे में, तो यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ वर्ष पहले यहाँ पे एक लेडीज एक महिला वैष्णो मंदिर से जोत लेके आई थी और उस जोत को उसने यहाँ हरसरू गांव में स्थापित किया। जिस जोत को स्थापित करने के बाद यहाँ पे वैष्णो मंदिर बनाया गया और यहाँ के काफ़ी सारे लोग इसी मान्यता को मानते हैं कि वो लेडीज काफ़ी बहुत बड़ी भक्तन थी माता की और वो वैष्णो देवी से जली हुई जोत को लेके आई और वो जोत उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, इस वजह से यहाँ पे वैष्णो मंदिर बना। बाकी का गाइस ये तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ का असली में रहस्य क्या है, लेकिन जो लोग बोलते हैं उस हिसाब से ऐसा है, बहुत है। बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ गुफा ही गुफा है, इधर जाओ तो गुफा उधर जाओ तो गुफा, जैसे अगर आप लोग वैष्णो देवी गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा वैष्णो देवी में कितनी गुफाएं हैं, वैसा ही यहाँ पे बनाया हुआ है। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं ये नीचे को जा रही है एक छोटी सी गुफा, यहाँ से मतलब जाना इतना मुश्किल हो गया था, मैं तो यहाँ से जा ही नहीं पाई क्योंकि एक तो साड़ी पहनी थी, ऊपर से मैं इससे अंदर जाना मुश्किल हो गया था मुझे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैं चलेगी। आप लोग खुद ही देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ से अंदर जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी गुफा थी और यहाँ अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसीलिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से मैं जा रही हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसा कि वैष्णो देवी कटरा में जो वैष्णो देवी मंदिर है वहाँ पे जैसे माता के चरण पादुका है, वह अभी यहाँ पे भी माता के चरण पादुका रखे हुए हैं। तो अभी हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नौ माताओं की मूर्तियां हैं, आप लोगों को पता होगा नौ माताएं कौन कौन सी हैं।
और गाइज अब मैं मेन मंदिर में आ चुकी हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये राम दरबार बनाया हुआ है इन्होंने और यहाँ पे काफी सारे भक्त लोग कीर्तन वगैरह गाते हैं। तो अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ और बाहर का कुछ इस तरीके का है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भोलेनाथ का शिवलिंग है, साथ साथ भोलेनाथ की यहाँ पे मूर्ति है। तो अभी मैं सबसे पहले भोलेनाथ जी को जल चढ़ाऊंगी। इस बार आप लोगों ने गोवर्धन पर्वत के बारे में सुना ही होगा, तो पूरा उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप लोग देख ही लीजिए, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो गाइज हम मंदिर देख के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो गाइज अब हमने फाइनली इस मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम सभी लोग यहाँ से आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी गाइज, अगर आप लोगों को इस मंदिर में विजिट करना है तो मैं इस मंदिर का लोकेशन मैप शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और जा सकते हैं वहां पे, बहुत अच्छा मंदिर है गाइज। अगर आप लोग भी गुड़गांव के रहने वाले हैं या दिल्ली या गुड़गांव के आसपास के कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप लोग इस मंदिर में जरूर आए। अगर आप लोग इस मंदिर में आएंगे तो भले ही आप लोग कटरा वाले वैष्णो देवी मंदिर ना गए होंगे लेकिन यहाँ पे आके आपको लगेगा हाँ हम वैष्णो देवी मंदिर आ गए हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, वीडियो को शेयर करके जरूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।